नमस्कार, आज मैं लंच में बना रही हूँ बूंदी का रायता, क्योंकि वो सबको पसंद आता है। और अगर घर में सब्जी भी ना हो ना, और स्पेशली बच्चे तो सब्जी खाना पसंद ही नहीं करते, अगर बूंदी का रायता हो तो आराम से खा लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं नमकीन बूंदी। नमकीन बूंदी बनाने के लिए मैंने करीब एक कटोरी बेसन ले लिया, इसको छान लिया है मैंने, और थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, और थोड़ी सी ही डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च पाउडर। आप अगर नहीं खाते हो लाल मिर्च तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, खाली नमक ही डाल सकते हैं इसमें। और अब डालूंगी इसमें करीब एक चम्मच छोटा वाला तेल, तेल से ही कुरकुरी बनती है काफ़ी, इसमें करारापन आ जाता है। एक छोटा चम्मच इसमें डालें तेल, और मैंने करीब एक कटोरी ही पानी लिया है। और हम इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे पूरा, थोड़ा थोड़ा डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए ये जो बूंदी बनाते हैं नमकीन, ये आप बनाकर रख सकते हैं और ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होती है। और अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये बहुत दिन तक चल जाती है, महीने भर भी आपकी ख़राब नहीं होगी। और जब भी आपको बूंदी का रायता बनाना है आप फटाफट बना सकते हैं, बहुत जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरह आप इसको लगातार अच्छी तरह चलाते जाएं और अच्छी तरह फेंटें। एक चीज़ और बताती हूँ, उसकी जो ट्रिक है, कई बार क्या हम बूंदी बनाते हैं और हमको अच्छी तरह पता नहीं चल पाता कि पानी कितना मिलाना है, अंदाज नहीं पड़ता और ढंग से हमारा बैटर तैयार नहीं होता। तो उस सिचुएशन में क्या करें आप, कि जब आप इसको फ्राई करें बूंदी को, बूंदी बनाएं, तब आप जब डालेंगे इसको उसमें ऑयल में, अगर ये बूंदी एक साथ इकट्ठी होने लगे, अलग अलग बिखरे नहीं, इसका मतलब आपका जो बैटर बना है वो पतला बना है। ऐसी उसमें आप क्या करें कि एक से दो चम्मच बेसन का आटा मिक्स कर लें और वापस इसको फेंट लें, आपका बैटर एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। वैसे मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। इसको पहले अच्छी तरह फेंट लें, देखिए ये पानी मेरा करीब करीब हो चुका है, और जब डालें ना तो इस तरह धार मिल जाएगी, इस तरह। इसको अभी हम और फेंटेंगे थोड़ा, और इसमें अभी थोड़ा सा पानी बच गया है, पूरा पानी काम में नहीं आया, हमारे बैटर में जितना डालना चाहिए था उतना हम डाल चुके हैं। देखिए बैटर तैयार हो गया, इसको ढककर हम 10 मिनट के लिए रख देंगे जिससे हमारा बेसन फूल जाए। ये देखिए करीब 10 मिनट हो गए हमारे बैटर को, और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चुटकी भर, सिर्फ एक पिंच खाने वाला जो सोडा होता है ना, वो उसको डालने से क्या होता है, जो हमारी बूंदी बनती है फूली फूली बनती है। और अब इसको वापस हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं बताती हूँ कैसी होनी चाहिए, इस तरह जा रही है ना धार में, इस तरह होनी चाहिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम बूंदी बना रहे हैं, बूंदी के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल को आप मीडियम फ्लेम पर ही गरम करें, ज़्यादा तेज़ पे नहीं तो क्या होगा कि आपकी बूंदी तुरंत से जल जाएगी। तो मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। और अब मैं ले रही हूँ झरिया, जिससे अपन तलते हैं ना, वो आप उस पर भी बना सकते हैं, या आपके यहाँ पर जो कद्दूकस होता है उस कद्दूकस में भी छेद होते हैं, उसमें भी डाल के बना सकते हैं, ईजिली बन जाता है। इसको आप थोड़ा सा ऊपर रख लें, और ऊपर रखने के बाद चमचे में आप लें ये घोल, और इसको इस तरह इस पर डाल दें, और आपको कुछ भी नहीं करना है, ये अपने आप बूंदी निकलती जाएगी और अपने आप चारों तरफ फैलती जाएगी। देखिए कितनी सुंदरता से ये जा रही है। और जब तक आपकी कढ़ाई पूरी बूंदी से नहीं भर जाए तब तक आप डालते जाएं। आपको दिख रहा होगा कितनी सुंदर बूंदी बन के आ रही है, बहुत ही फटाफट बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। बस अब मेरी कढ़ाई के तेल के अंदर पूरी तरफ बूंदी आ गई है, अब मैं और घोल नहीं डालूंगी, इसको हम हटा देंगे। ये देखिए हमारी बूंदियां सिक गए हैं, और अब हम इनको निकालेंगे। मुश्किल से 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते इनको सिकने में, और अब मैंने गैस को बिल्कुल धीमा कर दिया है जिससे जले नहीं। और अब मैं इसको निकाल रही हूँ इसमें, जिससे एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो इसका निकल जाए इसमें। इस तरह आप सारा निकाल लें इसको, देखो आपको दिख रहा होगा इसके करारेपन का आवाज। मैं फिर आपको डालकर दिखा देती हूँ, इस तरह डालना है, अपने आप चारों तरफ फैलती जाएगी। देखिए कितनी सुंदरता से ये जा रही है। और जब तक आपकी कढ़ाई पूरी बूंदी से नहीं भर जाए तब तक आप डालते जाएं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कितनी सुंदर बूंदी बन के आ रही है, बहुत ही फटाफट बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। ये देखिए कितनी सारी हमारी बूंदी बनकर तैयार हो गई है नमकीन, देखो कितनी सुंदर एक एक बूंदी अलग अलग बनकर आई है। अब हम इसका रायता भी बना लेते हैं साथ में। रायते के लिए मैंने एक कटोरी दही ले ली है, एक कटोरी दही ले रही हूँ, तो इसमें करीब आधी कटोरी करीब मैं पानी डालूंगी। पानी डालने का रीज़न ये है, अगर अपन ने पानी नहीं डाला तो जो दही में पानी होता है उस सारा का सारा ये एब्जॉर्ब कर लेगी बूंदी हमारी, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी डालना ज़रूरी है। और अब इसको स्टर कर लें अच्छी तरह। अब हम इसमें करीब 1 से 2 चम्मच बूंदी डालेंगे,
अब इसको भी मिक्स कर लें और बूंदी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक चीज़ और बताऊं, ज़रूरी नहीं कि आप दही में ये रायता बनाएं, आप इसे बटर मिल्क मतलब छाछ में भी बना सकते हैं। कुछ लोगों को ये छाछ में बहुत पसंद आती है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। थोड़ा सा इसमें डालें चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा पुदीना पाउडर, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें नमक भी ऐड कर लें और इन सबको मिक्स कर लें। ये देखिए कितना फर्स्ट क्लास आपका रायता बनकर तैयार हो गया कुछ ही मिनटों में। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।